धर्मनगरी वृंदावन में इन दिनों श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या एवं बिगड़ती यातायात व्यवस्था से जहां स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विकराल होती जा रही इस समस्या ने जिला प्रशासन के साथ साथ उच्चाधिकारियों को भी सोचने एवं योजना बनाने पर मजबूर कर दिया है। इसी श्रृंखला में आईजी दीपक कुमार द्वारा सोमवार को स्थानीय व्यापारी, मंदिर सेवायत व गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई। पानीगांव पुल संपर्क मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में आयोजित हुई बैठक में लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। वहीं लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं एवं अधीनस्थों के लापरवाही पर आईजी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह स्वयं कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निस्तारण के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आस्था की बढ़ती भीड़ सभी के लिए चैलेंज है। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि श्रद्धालु ही यहां के ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे वृंदावन में कई दिनों तक कैंप करके लोगों के साथ फिर से बैठक कर समस्याओं को विस्तार से सुनेंगे। आज इस मथुरा नगरी में वृंदावन जी में जो यहाँ के व्यापार मंडल के लोग थे, संत समाज के लोग थे एवं अन्य जो जनप्रतिनिधि मानिंद नागरिक गण थे, उनके साथ पत्रकार बंधुओं के साथ एक मीटिंग हुई और माननीय वृंदावन जी में मथुरा नगरी में जो भीड़ जो क्राउड है, जो श्रद्धालु गण है, उनकी संख्या में जो अचानक कई गुना की बढ़ोतरी हुई है, उसका नियमन किस तरह से किया जा सके, किस तरह से रेगुलेट किया जा सके जन सहयोग से, उस जन सहयोग के लिए यहाँ पर मीटिंग की गई और उन लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट हम लोगों को निर्देश है कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश के हमारे राज्य के एम्बेसडर हैं, जो बाहर जा कर के राज्य के बारे में, राज्य के कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था की तारीफ करते हैं, तो हमारा उन लोगों को सुरक्षा देना हम लोगों का धर्म है और हमारा कर्तव्य है। इसी मद्देनज़र हम जो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर थे, चाहे व्यापार मंडल के लोग हों, चाहे यहाँ के डिफरेंट सिविल सोसाइटी के लोग हों, नागरिक समाज के साथ एक मीटिंग हुई और हमें पूरा विश्वास है कि जो अचानक वृंदावन जी में जो भीड़ बढ़ी है उसको क्राउड के का जो रेगुलेशन है वो इन लोगों के जो अमूल्य सुझाव आए हैं और प्रशासन उसके साथ मिल बैठ करके हम लोग एक ऐसा नियमन का कार्य करेंगे और इस संबंध में फिर जो हमारी कार्य योजना बनेगी उसके बारे में विस्तृत डीएम साहब, एसएसपी साहब, वीसी साहब, ये सब लोग एक बनाएंगे कार्य योजना और आपको विस्तृत हम लोग इस संबंध में फिर से जानकारी देंगे। पर अब लगभग कार्य योजना जैसा हमने कहा कि इसको बनाने में कि टोटल इसका एक साइंटिफिक एक स्टडी की जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस कार्य योजना को हम लोग मूर्त रूप देने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 10-15 दिन, लेकिन जो फील्ड पर जो व्यावहारिक पक्ष है उस पर हम लोग अभी से काम करना शुरू कर दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है, चूँकि भीड़ अचानक कई गुना संख्या में बढ़ रही है, श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा है यहाँ पर, तो वीकेंड में सब जगह हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हम लोगों का पूरा प्रयास है और आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी इन चीज़ों को नियमन करने में, रेगुलेट करने में, हमारे जो वृंदावन जी में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग।